मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी आई थी, उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए, इसलिए गरीबी आ गई इस देश में। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को, इतनी गरीबी कहाँ से आ गई इस देश में? अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती है, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये तर्क देते हैं कि जितनी संख्या बढ़ेगी लोगों की उतनी गरीबी बढ़ेगी, तो जनसंख्या हमारी 3.5 गुनी बढ़ी है, लगभग 3 से 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3 से 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाहिए। अब 84 करोड़ कहां से आ गए? और 84 करोड़ लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो 15 रुपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते। लगभग हमारे देश में 20 करोड़ लोग एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और करीब करीब 10 से 11 करोड़ ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी हमारे देश में। अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़े, 34 करोड़ की जनसंख्या डबल कर दो, 78 करोड़ हो जाती है, तो आजादी के समय में जितनी जनसंख्या थी उससे दुगने से ज्यादा तो अभी गरीब हैं इस देश में। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे शासन और प्रशासन ने किया क्या? गरीबी कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ गई। हमारे देश की सरकार हर 10 साल पर जनसंख्या का आकलन कराती है, जिसको आप जनगणना कहते हैं। जनगणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में, तो 2001 की जनगणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, और 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं। अर्ध बेरोजगार से मतलब किसी को साल में 1 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 2 महीने काम मिल जाता है, किसी को साल में 3 महीने काम मिल जाता है। जब फसल की कटाई होती है तो कुछ को मजदूरी मिल जाती है, जब फसल को शहरों से माने गांव से मंडियों में पहुंचाना होता है तो बैलगाड़ी में ढोड़ो कर ले जाने वालों को थोड़ा काम मिल जाता है, कभी गाँव में कुछ काम नहीं है तो लोग ईंट के भट्टे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं, साल में 2-3 महीने 4 महीने उनको वहाँ काम मिल जाता है, कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी ठेला लगा लेते हैं, कभी रेहड़ी लगा लेते हैं, कभी फुटपाथ पे अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस तरह का काम करने वाले 40 करोड़ लोग हैं इस देश में, उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है। तो अर्ध बेरोजगार 40 करोड़ हैं, पूर्ण बेरोजगार 20 करोड़ हैं, माने लगभग 60 करोड़ लोग हैं जिनको कोई सम्मान नहीं है इस देश में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि रोजगार नहीं है कोई सम्मानजनक। इन्हीं में वो लोग शामिल हैं जिनको आजकल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है, 100 रुपए रोज का 3 महीने तक साल में। आप जानते हैं कि योजना चल रही है भारत सरकार की ग्रामीण विकास के लिए, तो उसमें 3 महीने काम मिलता है, और वो काम भी ऐसा विचित्र है, खड्डा खोदो फिर मिट्टी डालो, फिर खड्डा खोदो फिर उसी में मिट्टी डालो, इसी का काम दे देते हैं 100 रुपए रोज का। इतना अपमानजनक है, वहीं खड्डा खोदा थोड़ी देर में उसी पे मिट्टी डलवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास सच में कोई उत्पादक काम नहीं है, किसी तरह से बेगार टालने वाली स्थिति है, वो भी इन्हीं 60 करोड़ में शामिल है। तो आजादी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ, 60 करोड़ लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए। फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में। हाँ मिला हुआ है, हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सैनिक हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में लगभग 20 लाख के आसपास हैं कुल, 14 लाख तो आर्मी में है, बाकी एयरफोर्स और नेवी में। फिर अर्धसैनिक बल हैं हमारे देश में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और CRPF वगैरह है, वो 35 से 40 लाख हैं। फिर हमारी रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं, फिर बैंकों में करीब 17 लाख लोग काम करते हैं, फिर बीमा कंपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं,
फिर भारत के पब्लिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं, फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, ऐसे कुल लोग अगर मिला दिए जाएं ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक, तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा 2 करोड़ लोग हैं ऐसे। बस 2 करोड़ लोग हैं जिनको परमानेंट नौकरी है, परमानेंट, जिनकी कहीं नौकरी जाने वाली नहीं है। भले उनकी तनख्वाह के लिए कर्ज लेकर सरकार को काम करना पड़े, लेकिन उनकी तनख्वाह बदस्तूर रहने वाली है। और यही 2 करोड़ लोग हैं इस देश में जिनको टीए मिलता है, जिनको डीए मिलता है, जिनको एचआरए मिलता है, और उनका टीए डीए एचआरए समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति जिसको आप कहते हैं, तो उनका टीए बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो डीए बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो एचआरए बढ़ जाएगा, उनके दूसरे अलाउंसेस उनको मिल जाएंगे। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड़ के हिंदुस्तान में 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बड़े मजे की, ऐश की, आराम की और आनंद की है, 2 करोड़ लोग, बाकी सब भिखमंगों की हालत में। और ये जो 2 करोड़ लोग हैं, इनमें मैंने इनको भी शामिल कर रखा है, टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, नुस्ली वाडिया, गोयनका, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको भी शामिल कर रखा है। अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आजादी में। एक दिन मैं रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट पढ़ रहा था, उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकड़े निकाल रहा था, तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए, 1 मिनट की आमदनी, मिला के नहीं, अलग अलग। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 है, 1 मिनट की, तो पूरे दिन की आमदनी 12 से 13 लाख के आसपास निकलती। अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हैं जिनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 है, और 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनकी 1 दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हमने बनाया। अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये, कि संपत्ति और समृद्धि के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए हैं, बाकी गरीबी का महासागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है। आप में से भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, काफी 80 से 90% आप में से वही लोग हैं वो जो 2 करोड़ वाली श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप लोग 84 करोड़ वालों में से नहीं है। उनको तो सुबह को खाकर शाम की जी, और शाम को खाकर अगले सुबह की, इसी चिंता में जिंदगी बीतती है। तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और हमारे देश की संसद अब इस मुद्दे पर बहस करने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को मैं 2 बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद, और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई, हाँ आ गई, आपने संसद को दे दिया, हाँ दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, हाँ दे दिया, आगे क्या? तो उन्होंने कहा आगे क्या, वो कूड़े की टोकरी में चली गई, आगे क्या, जैसे सब रिपोर्ट आती है और चली जाती है। तो मैंने कहा अगर कूड़े की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी मेहनत क्यों की? तो उन्होंने कहा मैंने मेहनत सिर्फ इसलिए की कि देश के लोगों की आंखें खोल सकूं कि हुआ क्या 62 साल में। हम तो 62 साल में ये मान के बैठे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा विकास कर लिया है इस देश ने। और हमारे तरक्की और विकास को हम नापते कहां से हैं? बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए हैं, 6 लेन की सड़क बन गई है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज, वो जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और फिर गोल्डन ट्रायंगल, ये सब बन गए हैं। बड़े बड़े 5-स्टार होटल बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कहीं कहीं शहरों में मेट्रो ट्रेन चलने लगी है, कहीं मोनो रेल चलने लगी है, हवाई जहाज आसानी से उड़ने लगे हैं, हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोग बढ़ने लगे हैं, रेल में एसी क्लास में सफर करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो हम तो ये सब देख के कहते हैं देश ने बड़ा विकास कर लिया। लेकिन अगर जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से इसको निकाल कर देखना शुरू करें तो ये बिल्कुल शून्य के नजदीक नजर आता है, नेग्लिजिबल नजर आता है जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से देखें तो। दूसरा हिस्सा ही है जो बहुत बड़ा नजर आता है, गरीबी, भुखमरी, बेकारी का।
तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरी तो बहुत बेचैनी बढ़ गई कि ये हुआ क्या हमारे यहाँ। हम तो ये मानते थे कि 62 साल सरकार ने बहुत काम कर दिया, लेकिन रिपोर्ट ने तो सरकार की सारी पोल खोल दी। और वो रिपोर्ट कोई ऐसे आदमी की होती जो साधारण है, कोई राजनेता अगर और उस रिपोर्ट को बनाता तो मैं कतई आपके सामने ये बात कहने के लिए नहीं आता, क्योंकि राजनेताओं की बातों पर भरोसा कर पाना अब हमारे लिए संभव नहीं रहा है। हाँ, किसी पार्टी के अध्यक्ष ने यह कहा होता, उपाध्यक्ष ने कहा होता, संसद में बैठे हुए एमपीज या एमएलएज विधायिका में बैठे हुए उन्होंने कहा होता, हम कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि उनकी बातों पर तो बात करना ही मूर्खता है। लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और वो ईमानदार और निस्वार्थ भाव से इस बात में लगा हुआ है कि आज़ादी के 62 साल इस देश में हुआ क्या, ये जानना चाहिए, वो बताने के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। गरीबी मिटी नहीं, बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। लोगों की भुखमरी भी कम नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। आपको शायद मालूम है या नहीं, 20 करोड़ लोग इस देश में भूखे पेट सोते हैं रोज रात को। हमारी सरकार के आंकड़े हैं और उस रिपोर्ट में भी ये जानकारी है, 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे जो जन्म लेते हैं इस देश में, वो अपनी उम्र के तीसरे महीने में मर जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ उनको दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि माँ के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि माँ को संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। आधे से ज्यादा बच्चे तीसरे महीने उम्र तक पहुंचते मर जाते हैं। आजादी के 62 साल हो गए, हमारे देश की 50% आबादी अभी भी अनपढ़ है, निरक्षर है, जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। हमारे देश में अगर आंकड़ों में आप देखेंगे तो स्कूलों की संख्या लगभग 13 लाख है, लेकिन जब मैंने ज्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख स्कूलों में 90% स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मूत्रालय नहीं है, संडास घर नहीं। जिन स्कूलों में मूत्रालय ना हो, संडास घर ना हो, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते। हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा एक में पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं, कक्षा 8 तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से ज्यादा। और जो उच्च शिक्षा के द्वारा तैयार होकर निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। इससे भी ज्यादा दारुण की स्थिति, दुख की स्थिति इस देश में यह है कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ग्रामीण इलाके में है, गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे ज्यादा खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन। हर साल हमारे देश में 1,80,00,000 नए लोग बढ़ जाते हैं, माने बच्चे पैदा हो जाते हैं। 1,80,00,000 का मतलब है एक ऑस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी 1,80,00,000 की है, तो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है, 1,80,00,000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, और हर साल हमें 1,80,00,000 नए रोजगार की जरूरत है, लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खत्म होते जाते हैं, नए रोजगार तो सवाल ही नहीं। अब समस्या क्या है, गांव में जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है, खेती योग्य जमीन गांव में है नहीं। 14 करोड़ हेक्टेयर कुल जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में, 70 करोड़ एकड़ के बराबर। अब 70 करोड़ एकड़ जमीन पर हर साल 1,80,00,000 लोगों का बोझा बढ़ता जाए तो यह जमीन कितने दिन बर्दाश्त करेगी। हमारे देश में हर किसान के हिस्से में एवरेज 1 एकड़ जमीन आती है, करीब 70 करोड़ किसान है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है, तो एक किसान के पास 1 एकड़ है। हर साल 1 करोड़ नए किसान तैयार हो जाते हैं इस देश में, उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए।
तो परिणाम क्या होता है, गांव में बोझा बढ़ता है जमीन पर, तो लोग गांव से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में, शहर में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती चली जाती। गांव से जो लोग विस्थापित होकर शहर में आते हैं वो झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल झुग्गी झोंपड़ी रहती है। कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाइए, एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी झोंपड़ी बंबई में ही है, धारावी। और बंबई शहर की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ी में रहती है। दिल्ली चले जाइए, मद्रास चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, हर शहर में आपको दिखाई देगा 60-65% आबादी या तो फुटपाथ पर है या झुग्गी झोंपड़ी में। ऐसे स्थान पर हमारे देश की 65% आबादी रहती है जिस स्थान पर आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदगी होती है झुग्गी झोंपड़ियों की जिंदगी। एक मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज बदबू होती है, इतना कीचड़ होता है। कुत्ते भी वहीं होते हैं, कीचड़ भी वहीं होता है, आदमी भी वहीं होते हैं। और वो लोग साल दर साल अपनी जिंदगी बिताते रहते हैं। सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए। उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है, पाइप में रहकर, वो गोल पाइप कंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे। बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है। जो फुटपाथ पर रहते हैं वो रात दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोए कहां। 65% आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती, वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है। हुआ क्या फिर इस देश में, क्या हुआ? 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई, क्या हो गया इस देश को? बुनियादी जरूरतों के बारे में भारत सरकार की एक रिपोर्ट तैयार हुई थी आज से 4-5 साल पहले कि कितने लोगों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है। 7 करोड़ परिवार हैं सिर्फ जिनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। बुनियादी जरूरतें माने उनके पास बिजली है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। सिर्फ 7 करोड़ परिवार, बाकी 14-15 करोड़ परिवारों के पास तो वो भी नहीं है बुनियादी जरूरतें पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। ना उनके पास शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना चिकित्सा है, ना डॉक्टर है, ना दवाएं। 6,38,365 गाँव हैं इस देश में, मुश्किल से 2.5-3 लाख गाँव हैं जहाँ बिजली है, मुश्किल से 2.5-3 लाख। मुश्किल से 1.5-2 लाख गांव हैं जहां चलने को सड़क है, बाकी सड़क ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो बार बार मन में प्रश्न आता है कि क्या हुआ इस देश को? हमने इतनी योजनाएं बनाई, गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है। आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई सबका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ। किसी भी प्रधानमंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है तो वो कहेंगे गरीबी हटाओ। कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ? आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं, आपने तो पंडित नेहरू को देखा होगा, पंडित नेहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, अब तक हटती नहीं। बेरोजगारी मिटाओ बेरोजगारी मिटती नहीं, भुखमरी हटाओ भुखमरी मिटती नहीं, बच्चों को पढ़ाओ बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्या हो क्या रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो पता चला कि आज़ादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।